हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का हमारे चैनल गोफिस गार्डन में स्वागत है। आज आप लोग हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये एक छोटा सा एक मेरा पॉट है, छोटा सा एक टब है, मतलब इसमें ऑलरेडी मिट्टी इसमें एकदम रेडी की हुई है। तो इसमें आज मैं क्या ग्रो करना चाहूँगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले ये मेरा हमारा जो ये मनी प्लांट रखा हुआ है, इसको हम इस सीज़र की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से इसकी हम कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स, और इसका जो ये रूट निकला हुआ है इसको निकाल देंगे। तो ऐसे हम कई सारे टुकड़ों में कटिंग कर लेंगे। आइए कटिंग करके दिखाते हैं आपको। ये जैसे ये है मेरा, ये इसको बस ये यहाँ से ऐसे मैंने कटिंग कर दिया, इसको मैंने हटा दिया। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको हमने छोटे छोटे ऐसे पीसेस में इसको कट कर लिया है इस तरीके से। तो आइए फ्रेंड, अब इसको हम मिट्टी में इसको हम इस तरीके से अच्छी तरीके से इसे हम लगा देंगे। ऐसे बहुत ही ईजी है और ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा पानी का ख्याल रखना पड़ता है इसमें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें हम ऐसे इसको लगाएंगे। तो फ्रेंड, ये पूरी अच्छी तरीके से हम इसको मिट्टी में हमने लगा दिया है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। ये अब इसमें थोड़ा हम पानी डालेंगे, क्योंकि जब भी स्टार्टिंग करें प्लांट को लगाने में तो उसमें पानी ज़रूर डालना चाहिए तुरंत। तो फ्रेंड, इसमें हम अब अच्छी तरीके से पानी भी डाल दिए हैं, जैसे आप लोगों ने देखा है। अब इसको हम जाकर रख देंगे थोड़ा सेमी सेट एरिया में। वैसे हम इसको अपने स्टेयर्स पे ही रखेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब वो उसकी लंबी लंबी जो वो होती हैं बेल होती हैं मनी प्लांट्स की, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस मैं इसको अपने स्टेयर्स पे रखूँगी और ये अच्छे से ऐसे ये चलेगा। बहुत ही अच्छी इसकी बेल्स लगती हैं ये। पर इसकी मिट्टी जो फ्रेंड्स होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने कोई चीज़ नहीं मिलाई है, बस थोड़ा सा इस कंपोस्ट है और हमारी गार्डन सॉइल है, बस और कुछ नहीं है। बस उसको ऐसे प्रिपेयर पहले से ही था, उसमें अच्छी सी मिट्टी रेडी की हुई थी। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र भी नहीं चाहिए। तो बस ऐसे ही इसको आप भी चाहें तो अपने घर में ऐसे सेम मेथड से ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।